हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर आता है गुजराती मीडियम में, उसका एक एनालिसिस, यानी कि पेपर में क्या चीजें आती हैं, कितने मार्क्स की होती हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इन सारी बातों का आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू, पेपर आपको पता है 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होता है और 2 पार्ट्स हैं इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। इस बार गुजराती मीडियम में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया गया है। तो एनसीईआरटी में जो भी बुक्स फ्लेमिंगो विस्टाज जो चलती हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली हैं और उन्हीं के ऊपर पूरा पेपर है। तो देखिए, पार्ट ए पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और पार्ट ए में फ्लेमिंगो में प्रोज, पोएट्री, इसी तरह से विस्टाज और लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। फ्लेमिंगो के जो मार्क्स हैं आप देख सकते हैं, प्रोज 20 मार्क्स, पोएट्री 10 मार्क्स, विस्टास 5 मार्क्स और ग्रामर 15 मार्क्स। यानी कि टोटल अगर हम बात करें जो पार्ट ए है वो होगा आपका 20 प्लस 10 30 और 30 प्लस 20 50, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा आपका 50 मार्क्स का होगा। अब बात आती है पार्ट बी की। तो पार्ट बी में आपके 5 सेक्शंस हैं और इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है और यहां आपको डिटेल में लिखना होगा। सेक्शन ए फ्लेमिंगो से आएगा, प्रोज का पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी, इसमें भी फ्लेमिंगो से पोएट्री, क्वेश्चन आंसर्स 6 मार्क्स और विस्टाज के भी क्वेश्चन आंसर्स 4 मार्क्स। सेक्शन सी में इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनडायरेक्ट नरेशन जो पैराग्राफ फॉर्म में होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो इडियम्स फ्रेजेस 3 मार्क्स, नरेशन 4 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 मार्क्स। तो और नॉर्मली ये सारी चीजें आपके चैप्टर्स, आपके आपका जो सिलेबस है उसी में से अधिकतर चीजें पूछी जाती है। रेक्टिफिकेशन आएगा तो भी किसी चैप्टर में से दिया जाएगा, नरेशन के लिए जो पैराग्राफ होगा तो उसमें भी यही होता है। तो आपको ये जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से करनी होती हैं क्योंकि सारी चीजें इसी में से आने वाली हैं। सेक्शन डी में आप देख सकते हैं अनसीन पोएम की पैराफ्रेजिंग आपको करनी होगी या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करना होगा। तो कोई भी डेटा होगा उसके ऊपर आपको कुछ लाइंस लिखनी होंगी, 5 मार्क्स की होंगी। ईमेलिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू द यूनिवर्सिटी, जैसे 12th के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप ये बताते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज की, आप उसके लिए क्यों एलिजिबल हैं, तो वो सारी बातें हमको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपनी एलिजिबिलिटी को बताते हुए, यूनिवर्सिटी जो आप चूज कर रहे हैं उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए आपको ये लिखना होता है और ये होता है 5 मार्क्स का। सेक्शन ई में जॉब एप्लीकेशन और एसे और स्पीच, जॉब एप्लीकेशन 4 मार्क्स, एसे या स्पीच जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट पेपर की। तो ये एक सैंपल पेपर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं और इसी को हम पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर से है। तो इसी तरह से लगभग सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं विद 4 ऑप्शंस और पोएट्री से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, जैसे यहाँ से पोएट्री वाला पार्ट चालू हो गया। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी याद करनी होगी, पोएट के नाम, और इसी तरह से प्रोज में भी चैप्टर जिसने लिखा है उन राइटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो 29 and 1 go, इसके बाद पोएट्री का एक स्टैंजा दिया हुआ है और उस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। अब यहाँ देखिए, प्रोज विस्टास का एक पार्ट है ये, पूछा है सूजन हिल हैज पेंट डाउन। तो अगर आपको राइटर का नाम याद नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि प्रोज में भी चाहे वो फ्लेमिंगो हो या विस्टास हो, आपको राइटर्स के नाम याद होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये भी विस्टास का क्वेश्चन है, ये भी विस्टास से है। तो सभी में से, जैसा कि हमने ऊपर डिवीजन ऑफ मार्क्स देखा, सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ग्रामर का पार्ट आ गया, पैसिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन चैप्टर से लिया हुआ है। इसी तरह से कंपैरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ये भी चैप्टर से लिया हुआ है। और टाइप ऑफ स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, चैप्टर से लिया हुआ है। इसी तरह से प्रपोजिशन एंटर करना है, टेक क्वेश्चन एंटर करना है, लेकिन ये भी सब चैप्टर से लिए हुए, यानी सारी बातें टेक्स्चुअल हैं। तो अगर टेक्स्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बड़े आराम से इन सारी चीजों को आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसीन पैसेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर से प्रोज का पार्ट आ गया है और उस प्रोज में से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, यानी कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीन तरह के जो सेंटेंस है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि इसमें कौन सी वैरायटी है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, या कंपाउंड कौन सा होता है। इसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी ग्रामर का पार्ट है और चैप्टर में से ही दिया हुआ है। अब यहां पर आपको जो गिवन वर्ड है उसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है, ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। और अगला सेंटेंस जो है इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और 1 आवर में आपको ये सारे करने होते हैं। अब बाकी जो 2 आवर्स हैं वो पार्ट बी के लिए हैं, और इसमें सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस, जनरली 5 to 6 सेंटेंसेस में आपको आंसर करना होता है। तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस हैं और 5ों के आंसर आपको लिखने हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं है, 10 मार्क्स का होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2 मार्क्स ईच। इसी तरह से फिर सेक्शन बी में पोएट्री आ गई, 6 मार्क्स, वही कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, 2 मार्क्स ईच। इसी तरह से विस्टाज से 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, चॉइस नहीं है और 2 मार्क्स ईच। अब यहाँ पर फ्रेजेस, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन फ्रेज, फ्रेजेस और इडियम्स। तो आपको क्या करना है, जो गिवन फ्रेजेस हैं उनका करेक्ट मीनिंग आपको यूज करते हुए सेंटेंस को रीराइट करना है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो अब क्या मतलब है यहाँ पर लुक सो टॉल का, तो वो आपको यहाँ से चूज करके इसको रीराइट करना है। इसी तरह से 12 और 13, यानी ये भी आपके सब चैप्टर से ही है। तो आपको कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है अभी तक कि चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। इसी तरह से अब आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है, और ये भी चैप्टर में से ही है, रेक्टिफाई दी एरर्स। ये ऊपर जो सेंटेंस है 14th वाला, ये आपके लास्ट चैप्टर्स गोइंग प्लेसेस में से है, और रेक्टिफाई दी एरर्स ये 3rd चैप्टर डीप वाटर में से है। तो जब तक आप चैप्टर्स अच्छे से नहीं करेंगे,
आपकी गलतियों के चांसेस ज्यादा होंगे, और चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामर कॉन्टेक्स्चुअल वे में पूछी गई है, तो इसलिए ग्रामर को ज्यादा डीप में आप नहीं करते हैं और चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं, तब भी आपके मार्क्स इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से 18th क्वेश्चन यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन का है। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको इस पर कुछ सेंटेंसेस, 6 to 7 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, 5 मार्क्स में ये होगा। पैराफ्रेजिंग करनी है, 6 to 7 सेंटेंस, एक पोएम दी हुई है, एक्सप्लेन करना है। 19th क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यू आर किरण शाह सीकिंग एडमिशन इन एन एमिनेंट यूनिवर्सिटी फॉर अ ग्रेजुएशन कोर्स, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजना है, यानी आप कौन है, क्या है, कौन से स्कूल से हैं, सारी बैकग्राउंड डिटेल्स वगैरह देते हुए आप उस यूनिवर्सिटी के लिए क्यों डिजर्व करते हैं, आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। इसी तरह से 20th, इसमें भी ऑप्शन नहीं होगा, 5 मार्क्स का है। 20th जो क्वेश्चन है इसमें आपको एप्लीकेशन भेजनी है, किस लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसर्च असिस्टेंट इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी ये जॉब एप्लीकेशन है, तो जॉब एप्लीकेशन का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, तो आप बिल्कुल रट करके इसमें 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं, ज्यादा पेन वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होंगे, बाकी इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 21st क्वेश्चन जो है एसे राइटिंग, जो 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, टॉपिक्स आपके पास 2 हैं, यहाँ आपके पास चॉइस 2 बातें दी हुई है, 2 हिंट्स आपको दिए हुए हैं, या फिर, और इसमें भी सीसीटीवी कैमराज एंड प्राइवेसी, मतलब ऐसे में भी 2 टॉपिक हैं आपके पास में, और एज यू सो सो शैल यू रीप, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। और इसी तरह से एक और चॉइस है आपके पास, आपको एक स्पीच लिखनी है एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर, वो भी 250 वर्ड्स में। तो टोटल 21 क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट में से ही आते हैं, केवल सेक्शन ई हम देखें तो सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ द टेक्स्ट हैं, और इसी तरह से जो आपका 19th क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसी तरह से 18th क्वेश्चन जो है ये भी आउट ऑफ द टेक्स्ट है। इसके अलावा 1 से लेकर के 17 क्वेश्चन पूरे आपकी टेक्स्ट में से ही आते हैं, तो अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से कर लें तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, और वो भी बिना डीप में जाए हुए, यानी कि ग्रामर आपको अलग से डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी, इन चीजों से आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसी तरह की और अपडेट्स के लिए और कई सारी चीजों के लिए आप बने रहिए। जो फ्लेमिंगो की पोइट्री है वो मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर आप वहां देख सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको चैनल पर मिल सकता है। और अगर इसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपडेट कर दी जाएगी। और भी अगर किसी तरह कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए आगे के वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।